इस साल करीना कपूर खान ने दोस्तों अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया जिसका नाम जय है। अब करीना कपूर खान ने दोस्तों एक बुक बनाई है और इस बुक में उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान की घटनाक्रम, जो चीजें हुई थी, उन सबको एक्सप्लेन करके बताया है क्या करे क्या ना करे। लेकिन अब इसके टाइटल की वजह से हो गई है प्रॉब्लम। एक पर्टिकुलर रिलीजियस धर्म के लोगों ने दोस्तों सवाल खड़े करे हैं और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पुलिस कंप्लेंट दर्ज भी हो गई है। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल फोर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मौजूद हूं तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं करीना कपूर खान की कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से करीना कपूर खान के ऊपर यह शिकायत दर्ज हुआ। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट आई है जहां पर पुलिस कंप्लेंट दर्ज की गई है दोस्तों करीना कपूर की बुक के नाम को लेकर। उस बुक में लिखा है कि करीना कपूर खान प्रेगनेंसी बाइबल। तो ऐसे में बाइबल शब्द का इस्तेमाल दोस्तों, प्रेगनेंसी बाइबल, व्हाट इज दैट मीन, राइट? तो भाई ये बुक को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ पास में हमने बहुत से ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जहां पे नाम को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर बहुत से विवाद खड़े हुए हैं और उनमें से एक बुक ये भी हो गई है जिसमें कि करीना कपूर ने ये तक कहा है कि कभी मेरे गुड डेज होते थे, कभी बैड डेज होते थे, कभी तो मेरा इतना मन एक्साइटेड होता था कि मैं जाके काम करूं तो कभी मुझे बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता था। करीना कपूर ने दोस्तों बहुत सारी बातें कही हैं इस बुक के अंदर और ये बुक जो है कॉन्ट्रोवर्शियल भी बन गई है। अब देखते हैं कि करीना कपूर इस बुक के नाम को चेंज करती हैं या नहीं। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, तो ये जब से प्रेगनेंसी बाइबल ये पर्टिकुलर टर्म आया है, इस चीज को लेकर बहुत से लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया है, कहा है कि आपने बाइबल को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। दोस्तों आपका क्या रिएक्शन है? करीना कपूर सैफ के साथ शादी करके स्टार्टिंग से ही ट्रोल हुई हैं। पहले तो अपनी एज के 20 गुना साल बड़े एक्टर के साथ शादी करने को लेकर, फिर उसके बाद पहले बेटे को के नाम को लेकर, तैमूर को लेकर, फिर दूसरा जो है जेह को लेकर, और अब ये बुक। आपको क्या है लगता, आपको क्या है कहना, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज।